हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज देखिए, हम लोग लंच से चालू कर रहे हैं अपना वीडियो। और आज देखिए मैं कितनी प्यारी सब्जी बना रही हूँ। चार कलर की सब्जी काट करके रखी है मैंने, कितनी प्यारी लग रही है थाली में रखने में, देखिए देखने में। और टमाटर, शिमला मिर्च, आलू और इसके बाद में प्याज, चार चीज़ मैंने काट करके रखी हुई है। और आपको भी देखने में बहुत लजीज लग रही होगी। तो ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया है इसमें प्याज का, और जीरा प्याज और अजवाइन का तड़का मैंने इसमें लगाया है। तो इसको भुन जाने देते हैं, इसके बाद में हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। ये सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है। और इसके साथ में हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो ये देखिए पूड़ियाँ मैंने कुछ बना दी है, क्योंकि बेबी और ईशु को भूख लग रही थी और तो इसलिए वो पहले से खा लेंगे। उनको एक सब्ज़ी बना दी है मैंने उनके पसंद की, आलू की, तो वो उससे खा लेंगे। और हम लोगों के लिए शिमला मिर्च, आलू, टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। और ये सब्ज़ी भी ईशु को बहुत पसंद है, बट आज वो आलू पूड़ी खाने का उसका मन था तो मैंने आलू पूड़ी बना दिया। और ये तीनों चीज़ जो बची है ये हम लोग इसमें डाल देंगे। तो बस इसको पकने के बाद में इसमें ऊपर से हम लोग मसाला डाल देंगे, और बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से बनी हुई सब्ज़ी। तो आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे इसी तरीके के अच्छे वीडियोस आपको मिल पाएँ। देखिए कितने प्यारे कलर की तीनों चीज़ दिख रही है। और रियली में इस तरीके की बनी हुई सब्ज़ी जब खाना देखने में स्वादिष्ट हो ना, तो खाने में भी टेस्टी लगता है। और देखिए इस तरीके से मैं सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, तो मेरे घर में सभी लोग सभी सब्ज़ियों को खाते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी लगेगी खाने में भी। तो चलिए मैं इसको इसी तरीके से 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे जो है चलाऊंगी, और इसके बाद इसको एक बार भाप लगाऊंगी, ढक करके पका दूंगी तो पक जाएगी आराम से। बट इसको बिना ढके ही हम लोगों को पकाना है, जितना हो सके बिना ढके ही से जाना है, क्योंकि ढकने के बाद में ना शिमला मिर्च में पानी पकड़ लेती है तो अजीब सा टेस्ट आता है। तो चलिए मिलते हैं लंच के बाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और बेबी देखिए क्या कर रही है, ये देखिए नदी बना रही है छत पे। और देखो देखो बार बार बाथरूम में जा रही है, पाइप लगा रही है और बाहर आ रही है। और इधर देखिए क्या किया इसने, ये देखो बोल रही है छत पे नदी बनाऊंगी, तो उसकी मासी मना कर रही है फिर भी नदी बनाएगी आज छत पे। आज हमारे छत पे नदी बहने वाली है। अरे बेबी इधर तो आ बाहर निकल के, इधर तो आ बाहर निकल के, जल्दी आओ। और ये देखो पाइप लगा रही है, पानी आ रहा है इसमें से, देखो चल गया। देखो ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा, नदी बना रहा। नदी कहाँ निकल तो गया, फिर से निकल गया देखो। दौड़ के अंदर जाती है, थोड़ा सा लगा के आती है क्योंकि वो अच्छे से टैप में जा नहीं पा रहा है पाइप। तो देखिए आ रही है दोबारा से, फिर से नदी बनाएगी। तो यही चल रहा है अभी। और हमारे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, और शाम का टाइम है। और ऊपर देखिए वो जो लटका हुआ है ना, उसमें भी बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं। और वाइट वाले जो लगे हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए छोटे छोटे जो है ना हमारे टेरेस गार्डन में, ये देखिए ये शकरकंदी का पेड़ है, पौधा बेल। मैं गलत बोलती हूँ ना, पेड़ पौधा बेल, तो ये शकरकंदी की बेल है, बेल है। और इसमें धनिया भी डाला हुआ है, और ये देखिए पोई भी निकली हुई है। और ये पोई कौन कौन जानता है, जो पकोड़े में डालते हैं ना वही है। ये देखिए इसके छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से इसको लटका दिया है इन्होंने, झूला था बच्चों का उसको लटका दिया यहाँ पर। तो चलिए वाइट वाले फूल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे जो गंधराज का जो पौधा है, इसमें लगे हुए हैं फूल। देखिए कितना प्यारा फूल आया है वाइट कलर का, ये देखो देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है फूल। और इस तरीके से इसमें कई फूल निकले थे, वाला देखिए सूख गया है। और ये वाली देखिए कली इसमें से निकली है, देखिए कितनी अच्छी है ये, और बहुत सुंदर इसके फूल हैं। और खुशबू भी बहुत प्यारी है, देखिए ये कली इसकी है। और ये देखिए इसके कितने ग्रीन पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा, और कड़क भी हैं। और ये देखिए ये वाला भी एक निकला है, ये अभी पूरा खिला हुआ नहीं है, शाम होते होते खिल जाएगा पूरा। और ऐसे ही ये वाला देखिए, ये वाला तो पूरा अच्छे तरीके से खिल गया है, देखिए कितने अच्छे से। इसकी नीचे की लेयर अलग है, ऊपर की लेयर अलग है। और ये देखिए पूरा पौधा ही बहुत अच्छा लग रहा है।
और बेबी को दिखाती हूँ सबसे पहले तो मैं, है ना। ये देखो क्या हो रहा है हमारे छत पे, नदी बन रही है हमारे छत पे, तो नदी बनने वाली है। और ये देखो अब बेबी की पिटाई होने वाली है। नहीं बेबी, क्या होने वाला है, अब नदी कैसे बनेगी, वहाँ से तो निकल रहा है पानी, कैसे बनेगी नदी बता, बन जाएगी हाँ, नदी बन जाएगी, बोलो दिखाना, तैरेंगे कब फिर इसमें, कल कब तक बनेगी नदी। ये देख लो नदी बन रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि छत पे नदी बनाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ये देखो छत पे पानी में डाल दो, ए इसमें पौधे में डाल दो पानी। ये देखो वो नहीं डालने दे रहे हमें बहुत। ये देखो बेबी से ले लिया है पाइप और बेबी हो गई है अब गुस्सा, और उधर नीचे जो है पौधे उनमें पानी डाल रहे हैं। तो बेबी गुस्सा क्यों हो गई, बेबी ने इसमें ज़बरदस्ती पानी डाल रही थी और बहुत सारे पौधे लगा के रखे हैं। किसी दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसका। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बटन रोज़, देखिए कितने प्यारे लगा हुआ है, देखिए इतने छोटे छोटे रोज़ इसमें लगते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। और गर्मी का मौसम हो रहा है इसलिए सुबह निकलते हैं और शाम तक झुलस जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है। और ये देखिए सेकंड वाला भी कितना प्यारा है, देखिए देखने से ही लग रहा है कि बहुत सुंदर होगा। देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ, जितना अच्छे से हो सकता है दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बटन रोज़ है ये, और छोटे छोटे इसमें लगे हुए हैं फ्लावर। तो देखिए काफ़ी निकलेंगे, जब निकलेंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए वहाँ से तीन, यहाँ से चार, फिर इसके बाद ये, और ये देखिए बहुत ही घना हो गया है, एकदम छोटा सा लेके आए थे जब नर्सरी से लेके आए थे तो। और अभी दो फूल इसमें निकले हुए हैं, और इसके बाद देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये पौधा। बहुत सारे प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं और सबसे ज़्यादा प्यारा मेरे को यही लग रहा है अभी इस टाइम में। और इसकी देखिए डबल लेयरिंग में है, ये दो लेयर इसकी हैं, एक ये नीचे लेयर लगती है एक ऊपर। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है पौधा देखिए। और इसमें ग्रीन और मतलब ऐसे दो कलर की पत्तियां लग रही है, एक डार्क ग्रीन और एक हल्की ग्रीन में। तो ये हमारे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, फिर बताऊँगी मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के। तो गर्मी भोपाल में बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी हम लोग निकल के आए हैं बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो शाम को ही बाहर निकलना होता है, और आप लोगों के इधर क्या हो रहा है कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो बेबी चली गई है छत से, नीचे चली गई है खेलने के लिए, और बच्चे ना मतलब इतना ज़्यादा पानी से लगाव हो गया है, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है ना, तो बस पानी में ठंडा 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 हमेशा। और अभी देखिए वेदर बहुत अच्छा है बाहर, और देखिए नाइट हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।